आज पहुंचे हैं करनाल। ना तो दिमाग लगनी चाहिए, ना जंग लगना चाहिए, ना चोरी होनी चाहिए, मतलब दरवाजा मजबूत होना चाहिए, वो चीज देना। ये सीएम सिटी है, दादा ले पोता पर ऐसा दरवाजा दे दिया है। जंग नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा, सिकुड़ा फूल लगानी अपना। एक बार लग गया तो जो है ना, अपना जितनी मकान की लाइफ है तो अपने डोर की उतनी लाइफ है। ये है इसको जो है ना, को तोड़ना चाहे तो पूरे दिन रात में भी तोड़ सकता। अच्छा। और बल्कि मकान वाले ने 4-5 बच्चा भी पैनी पड़ेगी, क्यों थक जाएगा। 7 चाबियां दे रखी हैं। बाहर की आवाज अंदर नहीं आओगी, अंदर की बाहर नहीं जाओगी। अच्छा, इसमें इसमें जाली भी है साथ में। साइड में ये सुना होगा भाई, साइड में खिड़की है। ये ना आज दरवाजे अंदर खिड़की हम दिखावेंगे आपने। एक तो ये कार में 100-99 नंबर ले लेगा, ये तो 101 नंबर ले अपना ऑटो। बिल्कुल भाई साहब। और ये बंद कर दिया लोगों को, ये खुल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57
आर्मी से रिटायर्ड हूँ भाई साहब। बेटा पर जहाँ तक खुश हो गया है और गर्म लगने पास ऐसे दिखे जैसे हम सेवन स्टार होटल में रह रहे हो, वो लुक आता है। आज पहुंचे हैं करनाल, करनाल में पहुंचे हैं जय दुर्गा इंटरप्राइजेज सेक्टर 30 में, सेक्टर 4 के बिल्कुल पीछे। अब आपको यहां मिलेंगे स्टील डोर। जी हां, क्या मिलेंगे? स्टील डोर। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा, हम आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं। आपको जंग मुक्त करवाएंगे, आपको दीमक मुक्त करवाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो आपको बेहतर से बेहतर मिले। तो मैं रोहतक से सांगवान साहब जो है पहुंच गए करनाल, करनाल पहुंच गए सांगवान साहब। हाँ जी, करनाल पहुंच गए और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो करनाल वाले काफ़ी साथी आते थे मेरे पास, कॉल करते थे, फिर कोई बाइक पर आता था, कोई गाड़ी में आता था, कोई बस से आता था, तो उनकी सारी परेशानी हमने आज निवारण कर दिया है। हमने यहाँ अपने मकान पर सांगवान साहब लाखों रुपए लगते हैं, ना तो दिमक लगनी चाहिए, ना जंग लगना चाहिए, ना चोरी होनी चाहिए, मतलब दरवाजा मजबूत होना चाहिए, वो चीज देना, ये सीएम सिटी है। ऐसा साथियों, दरवाजा ऐसा दे दिया है आपका करनाल में, और करनाल में क्या ऑल इंडिया में जा रहे हैं आज के दिन, तो मेरे दरवाजे को देखकर लोग जो अनजगह जगह से जो आउट ऑफ स्टेटों से भी आते हैं, ये तो मेरा हरियाणा है, ठीक, अपने साथियों को जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। दादा ले पोता पर ऐसा दरवाजा दे दिया है। ये देखो जी, ये दिखाने वाले हैं, ये स्टील डोर है, मजबूती। तो यहाँ किन भाई की ड्यूटी लगी सांगवान साहब? ये अपने साथी हैं संदीप संधु साहब और अपने साथी हैं शर्मा जी। राम राम। राम राम भाई साहब। तो क्या मन में आया ये काम शुरू किया? पहले पूरा भ्रमण किया होगा, ये चीज़ मजबूत है? देखो जी, मैं जो सच्चाई बताऊं तो मैं अपना मकान सेक्टर 34 गोल्फलिंग करनाल के अंदर बनाने लग रहा हूं जी। तो मेरे को मकान के लिए गेट और खिड़की की जरूरत थी, तो मैं हर जगह घूमया, तो कोस्ट भी निकाली, भाई साहब की एड भी देखी। इसमें पूरा सहयोग मेरी घरवाली को मैं देना चाहूँगा, उन्होंने 3-4 बार फोर्स किया कि ये एड आर एक बार जाएगा, रोहतक आप पता करो, चेक करो। तो मैं गया भाई साहब के पास, मिला, मैंने देखते ही वहाँ पर अपना पेमेंट दे दी भाई साहब को। आपको चीज़ समझ में आ गई? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली हम दुकानों वालों के पास जाते हैं, जाके लकड़ी सी दिखा देंगे, ये चौखट है जी, 2 साल के बाद उसमें घुन लग जाएगा, फिर मिस्त्री ने बुलाओ, जो मकान की सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है। एक बार लग गया तो शायद मजबूत है, एक बार लग गया तो जो है ना, अपना जितनी मकान की लाइफ है तो अपने डोर की उतनी लाइफ है। और मान लो मकान किसी प्रकार चेंज करना पड़ जाए, कोई पोर्शन चेंज करना पड़ जाए, डोर को आराम से उतार दो और चौखट को आराम से निकाल लो, दूसरी जगह भी लगा सकते हो। और अपने लग गया अभी नहीं, अभी लगेंगे, कुछ टाइम बाकी है, लेकिन एक यूनिक प्रोडक्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये। आपने दोनों काम एक पक दो काज बिजनेस कर दिया। मैंने सोचा कि अब क्यों ना इसको करनाल के अंदर ले आ जाए और बिजनेस किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे साथी ऐसे देखे थे। एक तो मेरे रिलेटिव हैं, मतलब डगे पास गांव पड़ता है टोड़ा, उनके पूरे गेट डीमक ने ख़त्म कर रखे भाई साहब, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी डीमक है, सेक्टर 32 के अंदर डीमक है, 33 के अंदर, वहाँ बंदा कोई मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट देखना चाहता है कि हमारे पैसे खराब ना हो। पैसा भाई साहब बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, आज की डेट में कोई पैसा ये नहीं है कि ठीक है भाई चलो
ऐसे ही आ गया, खून पसीने की कमाई से। और जब बंदे के घर में कुआड़ों में डिमक लग जाती है ना, तो उससे पूछो उसका दर्द क्या होता है। और इससे क्या होगा, हमारी जो पर्यावरण का भी बचाव होगा, पेड़ पौधे बहुत कम कटेंगे। तो हम चाहेंगे, बात निकल करके सामने आई है, कितनी बड़ी बात है भाई, पेड़ पौधे कम कटेंगे और ये चीज मजबूत है और इससे हमारा पर्यावरण की भी जो है सुरक्षा होगी। फिर आओ दिखाओ, दिखाओ जी मजबूती। हाँ जी भाई साहब, आप भी आ जाओ, राम राम करो जी। ये अपने पार्टनर हैं जी, जी राजवीर शर्मा से। कम बोलना है ये शर्मा जी, आई 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 चीज समझ में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है जी, बहुत। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ जी दिखाओ फिर, ये है स्टील डोर और आपको सिर्फ लकड़ी के जैसी आवाज आएगी इसके अंदर। आप सांगवान साहब, हाँ जी, चोरी ना हो जाए इसको, जो है ना को तोड़ना चाहे तो पूरे दिन रात में भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। और बल्कि मकान वाले ने 4-5 बच्चा भी पैनी पड़ेगी, क्यों थक जाएगा। मतलब तिजोरी है, तिजोरी है ये। अच्छा। तिजोरी की तरह है। हुँ। तो इसमें जो है तिजोरी वाला जो सिस्टम दिखाऊं, ये 100 में मोटा है, लेकिन साउंड प्रूफ अपने सारे गेट रहेंगे। कोई भी गली में लाउड स्पीकर का शोर हो तो गेट बंद कर दो, अंदर आवाज नहीं जाएगी। इसकी चाबियों के बारे में बताओ, जो आप जो खासियत बता रहे ना वो चीज बताओ। ये भाई साहब, इसमें जो आना में और एक डोर में 7 चाबियां दे रखी हैं। मान लो किसी भाई की चाबी एक गुम हो जाए है, किसी गलत आदमी का हाथ लाग गया, तो उससे हमारा अगला लॉक चेंज करवाओ, लॉक चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये जो डिब्बी वाली चाबी है ना, एक लगा दी तो वो पिछली बंद, पिछली बंद हो जाएंगी दोनों, मतलब जो है ना फैल है। ठीक है, कोई काम की नहीं रहूंगी भाई। ये है स्टील डोर और ये देखिए इसके लॉक है जो वो आपको नजर आएंगे। इसके लॉक, चलो साथियों, जो अपना डोर है और एक तरीके से मजबूत है, साउंड प्रूफ तो अपने सारे हैं। तो इसमें देखो साथियों, साउंड प्रूफ कैसे हैं उसका भी मैं आपने जो है पूरा क्लियर कर दूं जी। ये जो यहाँ एक रबड़ दे रखी है हमने जी जी। अच्छा, डोर में जो इसकी किनारी हम अच्छा, ये रबड़ है सांगवान साहब, ये रबड़ दे रखी है भाई साहब, ये सारी रबड़ पूरा पैक है रबड़ से। अच्छा, फिर इसकी जो डोर की बनावट है, इसकी हमने किनारी आगे निकाल दी। तो अब चौखट पर आ जाओ एक मिनट के लिए। तो कैसे है, तो उसकी किनारी आगे निकाल दी, इसकी हमने किनारी पीछे निकाल दी, लाइन कट हो गया, आमने सामने लाइन नहीं रही। फिर जो रबड़ रबड़ भी इसमें भी आ गई, डोर पे भी आ गई, लाइन कट हो गया। तो ये साउंड प्रूफ पूरी तरह से है। हाँ हाँ, फिर बात आती है भाई साहब, बाहर की आवाज अंदर नहीं आओगी, अंदर की बाहर नहीं जाओगी, चाहे कैसा ही शोर कर रहा हो। आजकल बड़े बड़े डीजे वीजे लगते हैं, लोगों को, बुजुर्गों को परेशानी आती है, बुजुर्गों को परेशानी आती है। आस पड़ोस में जो रात की शादी होती है या कोई मतलब अपने प्रोग्राम होता है उसमें डीजे लगाते हैं, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग सो नहीं पाते। लेकिन हमने इन समस्याओं का भी समाधान इस डोर में निकाल दिया भाई साहब। तो फिर बात आ जाए अपना जो लॉक की, लॉक में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दो बार चाबी घूमेगी, दो पिन यहाँ, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवी आठवीं नौवीं, नौ दरवाजा इतना ऊपर से इतना नीचे से बराबर बंद होगा। वो दरवाजे सिर्फ यहाँ से बंद होते हैं। हाँ, वो जो लकड़ में होता है भाई साहब, यहाँ यहाँ पतली पतली पिन आती है, वो जो सारी 6 में मोटी होती है, लेकिन ये 16 में मोटाई की पिने हैं। उन दरवाजे की सांगवान साहब कितनी मोटाई होती है? उनकी भाई साहब 30-35 mm मोटाई होती है, ये 70 mm की मोटाई है। 70 mm डबल हो गया। हाँ, हमारे पास जो डोर है 50 mm का भी है, 70 mm का भी है, 100 mm का भी है। ठीक है, फिर बात आती है इधर से, तो जो है अपना लॉक ने जकड़ लिया पूरा डोर, इधर से कब्जा ने भी जकड़ लिया। ये बात देखो भाई साहब, और कब्जा भी को हल्का कब्जा नहीं है, जो आम तौर पे जो आपने देखे होंगे ऐसे कब्जे आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे कहीं, ये कब्जा में आ गया। मेन चीज ये है कि डोर से बाहर ही होता है, तो यहाँ से जो कब्जे हैं वो फटने लग जाते हैं। हाँ, इस पे तो क्या है, अभी मेरे में ये लगा लो 90-95 kg वजन है, मैं इसका ऐसे झूल सकता हूँ डोर पे, लेकिन जो कब्जा डाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सांगवान से भी इसी को तो दिखाना पड़ेगा आपने। आ जा रे छोरे, कट गया वो, आइए आ जा, एक लटक गया, लटक लटक, ये तसल्ली करनी है, कर तसल्ली, लटक जा, लटक जा भाई, दिखा, अरे लटक जा, क्यों घबरा रहा है, लटक जा रहा है, अरे फिर वो लग रहा है कब्जा, तू लटक जा, हाँ लटक जा, ये ले भाई, ये चीज़ दिखानी थी भाई, अरे लटक जा छोरे, क्या हो गया, ये चीज़ दिखानी भाई, ये दरवाजे इतने मजबूत है कि यदि जैसे 60-70 kg तो इसका वजन होगा, लेकिन दरवाजा जो है लरजेगा नहीं, ये मजबूती है। ये चौखट जब फिटिंग हो जाएगी फुल मजबूत होंगी, दीमक इनके अंदर नहीं लगा, जर नहीं लगा, संगमन साहब जंग नहीं लगेगा, दीमक नहीं लगेगा, सिकुड़ा फूल लगा नहीं अपना डोर।
क्यों मैं ऑल इंडिया में आज के दिन पहले नंबर पर चल रहा हूँ, क्यों मैं क्वालिटी पर काम करता हूँ और एक का जो नंबर हो सब विश्वास पर हम खड़े उतरते हैं। बकाने वाले बहुत आओगे, बकाने वाले बहुत हैं, लेकिन हम तो समाज में और भाइयों में खड़े होने वाले हैं। आज भी देखो चारों तरफ कितने साथी आ रहे हैं, ये नहीं सारे भाई आ रहे, तो ये नहीं है कि भाई हम ऑफिस में अकेले बैठ के गाक के जो चेपुआ लगाए जाओ, ऐसे ऐसे बंदे भी मतलब डोर निकाल रहे हैं, लेकिन हम विश्वास पर खड़े उतरते हैं। इसमें संगमरमर साहब जाली भी मिलेगी, जाली भी दिखा दो। ये भाई साहब जितने भी गेट होते हैं ये जो है, मैं आपको एक चीज बताऊं संगमरमर साहब, देखो कोठी में लगे मतलब लाखों लाखों तक या करोड़ों में भी लग जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता होती है आदमी बाहर घूमने के लिए जाएगा तो पीछे से चोर की, ठीक है ना, वो सेफ्टी के बारे में बताओ। वो सेफ्टी जो है इस डोर को, जो 17 मेंबर का डोर में आपको बता रहा हूँ, इसमें 7 से 8 घंटे पहले से पहले बंदा एंट्री नहीं कर सकता, रोड और थोड़ा साथ तो उस मतलब एंट्री नहीं कर पाएगा। ये अपने दरवाजे की इसी खासियत है। 100 mm वाला क्या है, पूरा दिन रात में भी तोड़ के एंट्री नहीं कर सकता, तो वो उसमें खासियत है। 50 mm का भी हमने यहाँ डिस्प्ले पर नहीं लगाया, 50 mm का भी डोर बेडरूम में डोर है जो 3 से 4 घंटे से पहले तोड़ के एंट्री नहीं कर सकता। तो हर एक दरवाजे की कैपेसिटी का हमने पूरा ये है, पूरी कैपेसिटी हमने देख रखी है। 7 फुट का 8 फुट का है, ये 7 और 8 की हाइट रहेगी जो चौड़ाई है साथियों, इसमें 2.5 फुट से शुरू होकर 6 फुट तक की चौड़ाई के गेट होते हैं जी। तो उसमें भिन्न भिन्न साइज होते हैं भाई, यो जगह कैसे आप देखा जाता है आपका कौन सा काम कामयाब होगा। तो ये बेडरूम का डोर था, 805 मॉडल है जी जी। तो ये जैसे आप बता रहे हैं बेडरूम का है, हाँ, तो मेन गेट के लिए अलग मजबूत होगा। मेन गेट के लिए जैसे मान लो आउट में वेंटिलेशन भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए, हाउस डोर पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। हाँ, ये वाला दिखाओ। अच्छा, इसमें जाली भी है साथ में। साथियों इसमें आपने वैसे साइड में ये सुना होगा भाई, साइड में खिड़की है, लेकिन आज दरवाजे के अंदर खिड़की हम दिखावेंगे आपने, डोर के अंदर ही विंडो। ये दरवाजा, ये विंडो आप सामने से दिखाओ कैमरा मैन एक बार, साथियों सभी को देखो जी जी। साथियों ये काम आता है अपना, एक तो वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल है, एक मान लो घर में बच्चे अकेले हैं तो अंदर से लॉक करके बच्चे अकेले मतलब अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, बाहर से कोई आवाज दे रहा है तो उसको देखकर मतलब ये आदमी अंदर बुलाने का या बाहर से जवाब देना है, इसके काम भी आती है ये। तो ये डोर में विंडो है, वही साउंड सुरक्षा की दृष्टि से आपके डोर पूरे के पूरे कामयाब है, पूरे के पूरे कामयाब है। एक तो ये कार में 100 में 99 नंबर ले लेगा, ये तो 101 नंबर ले अपना डोर बिल्कुल। भाई साहब तसल्ली करिए, पूरी पूरी तसल्ली करके जब भाई साहब यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली है भाई साहब से। अच्छा, फिर एक और गजब की बात बताऊंगा आपने, इसमें ये आपने दिख रहा है लॉक है जी बिल्कुल, विंडो में भी लॉक है, विंडो में भी लॉक है, लेकिन मान लो कोई भाई ऐसे इसको झाप के चला जाओ है, इसको घुमाना भूल जा, लेकिन मैंने इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम का रखा है, ये पिन दिख रही वहाँ टक्कर लगाएगी, टक्कर लगाते ही अपने आप लॉक हो जाएगा, जल्दबाजी में कोई भी बंदा भूल चूक ना रह जाए और पीछे से कोई उजाड़ पताड़ हो जाए, लेकिन आपने खोलना पड़ेगा, खोलना इससे पड़ेगा और ये बंद कर दिया, लॉक हो गया, अब ऐसे ये खोलना पड़ेगा, ये खुल गया, घुमा के खुला। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, आप लाखों रुपए अपने मकान पे लगाते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले आप डोर के जो डिजाइन लगाए या फिर उनकी मजबूती लगाए उनको लेकर के काफी चिंतित होते हैं, तो ये वो डोर है, वो स्टील डोर है जो आपके घर को एक मजबूती देंगे जी। भाई साहब इसका भी हम परिचय देना चाहेंगे, यू अपना 100 mm मोटाई का डोर है, कब्जे तो आपने दिखे रहे हैं बिल्कुल, हाथी बिठा रखे, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें सेफ्टी पर्पज का और भी जो है अपना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यू क्या तिजोरी का कैसे सांगण साहब, यू तिजोरी का नहीं, यू जिस भाई द्वारा ज्यादा पैसे दे ले हो या और को जान का खतरा हो तो उसने माड़ा और मजबूत दे रखा है, ये डोर भी अपना पूरा दिन रात में तोड़ के एंट्री नहीं कर सकता, साउंड प्रूफ सारे रहोगे, बुलेट प्रूफ भी रखा क्या, हाँ बुलेट प्रूफ है, हमने शुरू में जो है बुलेट प्रूफ ही दिखा था। अच्छा, हाँ हाँ, उसमें कोई भी गोली जो है छेद करके अंदर नहीं जा सकती, तो ये वाला ही आएगा, बहुत जबरदस्त है वाला जी। ये किसी भाई ने जो हमें अच्छा बड़ा लान है, पीछे जाकर मकान बनाया है, उसने बिल्कुल चौड़ा ही मतलब अच्छा चौड़ा फ्रंट है तो चौड़ा ही डोर उसने सुतरा लगेगा, ये 6x7 का साइज में है,
ये एक पल्ला ऐसे हो गया, बिल्कुल आप दोनों खोल सकते हैं, एक भी खोल सकते हैं, एक भी खोल सकते हैं, दोनों भी आने जाने के लिए ये यूज हो गया। ठीक है जी, कोई चौड़ा सामान ले जाना है तो इसको ओपन कर लो, बिल्कुल हर एक सुविधा दे रखी है। ये पूरा ओपन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो कोई भी फंक्शन है या कोई चौड़ा सामान ले जाना है, आदमियों का ज्यादा आवागमन है, तो ये वाला डोर यहाँ मतलब कामयाब है। तो इस प्रकार हम देखे जी, बढ़िया जी, बहुत आया समझ में, कुछ बहुत समझ में है, बिल्कुल बढ़िया, बुलेट प्रूफ से लेकर के मजबूती तिजोरी वाला है, बहुत बढ़िया तिजोरी टाइप है बिल्कुल, और जो बुलेट प्रूफ देखा मैंने बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो मकानों पर लाखों रुपए लगता है, जब दरवाजा, हालांकि दरवाजे का आखिरी में टाइम आता है, लेकिन जब आता है तो आदमी लकड़ी वाले के पास आता है, लोहे का बनवाऊँ, ये बनवाऊँ, वो बनवाऊँ, ये तो साहब पूरा का पूरा मजबूत है, बिल्कुल बहुत मजबूत है, इसमें कोई दोबारा नहीं, देखे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। ये हमारे जो भाई संदीप ने जिसने ली है एजेंसी भी ली है, ये फौजी आदमी मजबूत आदमी है, फौजी वाला कंपनी है, फौजी है संदीप तो, जी बिल्कुल, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ भाई साहब, 2019 एक जनवरी को मैं घर पर आ गया था, और उसके बाद काम की भी तलाश थी, काम भी हो गया, लेकिन लोगों की सेवा भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो भाई काफ़ी लोग जो है ये सोचते हैं कि दरवाज़ा लगवाएं तो कैसा लगवाएं, चिंता होती है, लकड़ियों का माप देते हैं, दो चीज़ें हैं, पेड़ कटते हैं जब दरवाजे लगते हैं, अब पेड़ कटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जैसे मजबूत दरवाजे हैं कि तिजोरी टाइप भी हैं और बुलेट प्रूफ भी हैं। आपके करनाल में सेक्टर 4-5 हेरिटेज के पास, जो हम राष्ट्र रेजिडेंसी की तरफ जाते हैं, यहाँ पर फ्लैट वगैरह काफ़ी हैं, तो ये फर्स्ट गली राइट साइड में एंटर करते हैं, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के साथ ही है। चलो लोकेशन भी आपको दे देंगे, नंबर भी आपको दे देंगे, आपको कैसा लगा एक बार आप भ्रमण के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये है आपके भविष्य की मजबूती। तो आउट का डोर अपने पास एक और है, ये तो बेडरूम के, ये दिखाओ सांगवान साहब, जाली वाला और दिखाओ, ये भाई साहब जाली का, जैसे घरों में दो पल्ले लोग लगवाते थे, एक ठोस पल्ला है, एक जालिया पल्ला है, तो इसी प्रकार ये अपना जालिया पल्ला, ये भी पूरा मजबूत है। हाँ ये पूरा मजबूत है, मतलब इनका देख पेटा सा भर जाए है, पेटा भर जा तो मैं खुश हो जा है, और घर में लगने बाद ऐसे दिखे जैसे हम 7-स्टार होटल में रह रहे हो, वो लुक आता है। ये है जाली, और इसको आप अपने घरों में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, और अंदर हो गया दरवाजा। तो सांगवान साहब दरवाजा प्लस जाली ये कितना इंच हो गया? ये भाई साहब 9 इंची दीवार पर लगेगा, 9 इंची दीवार पर लगा, बाकी इसको छोड़ के सारे दरवाजे अपनी 4 इंची दीवार पर भी लग जाते हैं, 9 इंची दीवार पर भी लग जाते हैं, और कोई भी भाई मकान बनाने जा रहे हो तो मकान बनाने से पहले मिले तभी इनका फायदा है, ये नहीं है कि भाई पहला मकान बना लिया फिर आ जाएंगे तो उसके बाद उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, दरवाजा यदि आप चाहते हैं मजबूत अपने घरों में लगवाना, तो मकान बनाने से पहले जो आप मिले, क्योंकि उसका जो साइज है वो सारा का सारा रखा जाता है, उसकी चौखट लगाई जाती है। नहीं चौखट नहीं लगवाई जाती भाई साहब, जैसे जहाँ चौखट टिकती है डीपीसी पे वहाँ मेजरमेंट करवाते हैं हम, हमारा बंदा जाएगा, तो उसके बाद जो हमारा डोर लगता है फाल सीलिंग पीओपी और टाइल पत्थर ग्रेनाइट जो भी हो, जो आप रेट दोगे संगवान साहब उसके अंदर लगवाई भी है, उसमें वो जो है अगला सिस्टम देखा जाता है, भाई एक डोर है तो उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जाएगा, पूरा मकान के डोर हैं 7-8 डोर हैं तो हम लगवा कर देंगे, इस प्रकार होता है। अब आपके अपने करनाल में आपको मिलेंगे स्टील डोर और मजबूत ये दरवाजे, आप यहाँ अपने घरों के लिए ले जा सकते हैं, और मजबूती के साथ तिजोरी वाले दरवाजे भी और बुलेट प्रूफ दरवाजे भी जो है, इनके सभी के अलग अलग नाम है। हाँ जिस प्रकार एक बाप के 5-4 बालक हो जाए उनके नाम रखे जाए याद करने खाते रहे, तो इस प्रकार जैसे अपना मेगा किंग लोगो है तो इसके फिर ये बच्चे हैं। मेगा किंग है कंपनी। हाँ ये मेगा किंग इनका बाप है, ये इसके बच्चे हैं। तो भाई दोस्तों जल्दी कीजिएगा, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मजबूत दरवाजे तो मजबूत नींव, आप भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें।